होता ये है कि इस वक्त बिजली जल रही है तो हमें थोड़ी ध्यान है कि वाह बिजली जल रही है, अभी बंद हो जाए फ्यूज हो जाए तो ध्यान आता है। अभी हम सांस ले रहे हैं तो हम कौन सा शुक्र अदा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जा रही है हमारे फेफड़ों, लेकिन अगर किसी तरह से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए और हमारा दम घुटने लगे तो हमें इसी तरह से हम इतने वर्षों तक ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रही थी, ये जो रोशनी हमें मिल रही थी, इसे हम आराम से ले रहे थे बिना सोचे समझे। अब जरा बल्ब थोड़ा सा कांपा है, थोड़ी सी हवा कम हो रही है, तब हमें एहसास होता है कि कौन सी कीमती चीज हमारे पास रही है। और ये इतनी कीमती है कि हर एक के पास नहीं, जरा एशिया में नजर उठा के देखिए, तो जहां से जाएंगे तो मेडिटेरियन कोस्ट तक ऐसी डेमोक्रेसी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो कभी कभी मेरे ध्यान में एक बात आती है, भाई मैं अब चाहता हूँ कि आप लोग बैठ जाए, सुनिए ऐसा हमें चाकू है, हमें ऐसी चाकू भी है, ऐसे हमने कौन से लाल चके हैं कि हमारे पास ये चीज है और इसी एशिया के करोड़ों लोगों के पास नहीं है। उसके पीछे एक राज है, कोई माने न माने वह सच यही है कि हमें हमारे संस्कार, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति जाने अनजाने 5000 साल से डेमोक्रेसी के लिए ट्रेड कर रहे थे। ये इस देश की विचारधारा रही है जब वर्ल्ड डेमोक्रेसी बना भी नहीं था, जब लोग जानते नहीं थे जनतंत्र जमहूरियत किसे कहते हैं, वो था भी नहीं, एक मगर धारणा थी कि ऐसा नहीं है कि जो मैं सोचता हूं बस वही ठीक है, हो सकता है ये भी कह रहा है उसमें भी कोई बात हो, और वो जो सोच रहा है उसे भी अधिकार है वो सोचने का, और वो जो कह रहा है उसे अधिकार है कहने का, क्यों मेरी बात से इस समाज में ये खूबी हमेशा से है। यहां तो नास्तिक को भी संत मान लिया गया, यहां आप कुछ भी कर लीजिए, आप मूर्ति पूजा करते हैं तो भी ठीक, नहीं करते हैं तो भी ठीक, आप एक को मानते हैं तो भी ठीक, आप 32 करोड़ को मानते हैं तो भी ठीक, आप किसी को भी नहीं मानते तो भी ठीक। जब ये इजाजत एक समाज देगा डिसेंशन विरोध करने की, अलग होने की, अलग तरह से सोचने की, उसी जमीन में जनतंत्र का पौधा लग सकता है। जब मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है बाकी सब गलत, मेरा सच ही सच है बाकी सब झूठ, मैं जो कहता हूं वो है देश पे और जो ये न माने वो है था, वहां जनतंत्र का पौधा नहीं लग सकता। तो जो हमारा गुण था, जिस गुण ने हमें न सिर्फ जनतंत्र दिया बल्कि हमें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, हमें जो हमारा बुद्धिजीव था वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर क्यों होता रहा, वजह क्या है कि हमारे लेफ्ट हैंड जो है उल्टा हाथ इतना मजबूत नहीं होता जितना सीधा हाथ होता, इसलिए कि हम सीधे हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसकी मसल ज्यादा डेवलप होती है। जिस समाज में एक दूसरे से बहस होती, जिस समाज में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और तहजीब के साथ, तमीज के साथ, संस्कारों के साथ एक दूसरे से हम बात कर सकते हैं, वहीं दिमाग की मसल बढ़ती है, वहीं दिमाग बढ़ती है। तो जो चीज हमें यहां ले आई वो चाहे फिलोसफी हो, साइंस हो, आप आज जा रहे हैं अगर स्पेस में तो ये भारत का मस्तिष्क है, आज हमारे राइटर दुनिया में मशहूर होते हैं, आज एक आम हिंदुस्तानी
घृणा दिया ना। हो सकता है वो आपको ये ना बता सके कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी क्या है, हो सकता है ये ना बता सके कि यूक्रेन में भी क्या हो रहा है, लेकिन अच्छा, वो आदमी है ओके पर उसकी नॉलेज कम हो सकती है, समझ कम है, वो समझदार आदमी है, हिंदुस्तानी समझदार आदमी होता है, इसलिए कि उसके पीछे 5000 साल के जींस चल रहे हैं समझदारी के, सोच के, विचार के, तजुर्बे के, आज उन्हीं को कुचलने की कोशिश, आज ये कहा जा रहा है कि तुम सिर्फ हमारी तरह सोचो, और जहां जहां ये कहा गया है वहां वहां देखो लोग कैसे रहते हैं, और आप जान चंदन आ गया है, वो तो लाद किया गया है, उनके पहले से चल रहा है, पसंद नहीं है, बड़ी अच्छी ब्राह्मण का नहीं है, नहीं हो सकती है, इट्स अ गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, ये अभी बहुत मजबूरी में एक तिहाई मानने को तैयार है, बाय द पीपल को अब मानना पड़ रहा है, बाकी लोग तो छोड़ चुके हैं, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल पसंद नहीं, और वो है भी नहीं है, एक सरकार आम नागरिक के द्वारा आम नागरिक की चलाई हुई आम नागरिक के लिए, यह है जनतंत्र की परिभाषा, दो तो डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए, ना वो आम आदमी की है अब ना आम आदमी के लिए, अभी सिर्फ द्वारा बचा है, वो भी तब तक बचेगा, कभी कभी आज का खासतौर से टीवी देखिए तो ऐसा लगता है कि देश में अब न कोई भूखा मर रहा है, न कोई बेरोजगार है, न कहीं दवा की समस्या है, न कहीं शिक्षा का कोई प्रॉब्लम है, न कहीं बिजली कम है, न कहीं पानी कम है, हर बच्चा स्कूल जा रहा है, हर माँ साफ सुथरे कपड़े पहने अपने खूबसूरत घर को सजा रही है, सब कुछ ठीक है, बस एक गड़बड़ है कि सांप्रदायिकता को सांप्रदायिकता में तो किसी चीज पर बाकी नहीं हो रही, मगर ये सांप्रदायिकता क्यों है, ये जमीन से उठती है सांप्रदायिकता या ऊपर से बरसती है, हकीकत ये है कि आज भी इस मुल्क में ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां अभी तक किसी राजनेता के पैर नहीं पड़े, उस गांव में जाकर देखो तो आपको मालूम होगा कि हिंदू और मुसलमान के बीच में लकीरी खींचना मुश्किल है कि कहां तक आपके हिंदू और कहां तक मुसलमान है, ये नहीं पता चलता, ये कौन से त्योहार मना रहे हैं, ये क्या इनकी रस्में, ये शादी कैसे करते हैं, इनका क्या क्या होता है, फिर या तो राजनेता जाते हैं या मूवी जहाज जाते हैं या फिर कोई पंडित जी जाते हैं समझाते हैं कि तुम ऐसा नहीं करना, तो बहुत बुरा लगता है, धीरे धीरे कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान में शहर हो गांव हो कस्बा हिंदुस्तानियों को छोड़ दो राजनेता ना, हिंदुस्तानियों को आपस में रहना आता, वो थोड़ी बहुत एक दूसरे की पढ़ाई भी करेंगे कि देखिए वो भी नेचुरल है, अब मेरे घर में जितनी अच्छी दाल बनती हो मेरे कजिन के घर में तो नहीं बनती, मेरे घर की दाल मटन है, तो वो छोटे मोटे बायस और छोटे मोटे विरोध भी हो लेकिन दुश्मनी नहीं, कभी ये ऊपर से आते हैं, इस मुल्क में दंगे इसलिए नहीं हुए कि सांप्रदायिकता बहुत थी, इस मुल्क में दंगे इसलिए हुए हैं कि सांप्रदायिकता बहुत कम थी, उसे बढ़ाने दंगे आउट ऑफ फैशन हो गए, अब उन दंगों को फैला के पतला करके पूरे समाज के बारी तरीके से फैला दिया गया है, एक दंगे की जरूरत बहुत कम आ रही है, तुम्हारा विचारधारा में दंगे रहने बैठो भी ये मगर ये क्यों है, इनको फायदा क्या है, बड़ी सिंपल सी बात,
हूँ मुझे सीन अच्छा लगता है, मुझे पूरा सीन याद हो जाता है। मैं नॉवल पढ़ता हूँ मुझे कोई पैराग्राफ अच्छा लगता है वो याद हो जाता है। मैं शेर सुनता हूँ एक बार और मुझे अच्छा लगे तो याद हो जाता है। मुझे गाना पूरा याद हो जाता है, पसंद आता है, तो लेकिन मेरा अपना लिखा हुआ ना हो, लेकिन मुझे नंबर नहीं याद, मुझे अपनी कार का नंबर भी नहीं याद, मुझे अपने किसी बेहतरीन दोस्त का टेलीफोन नंबर। तो मैं कागज पर कुछ नंबर लिख के लाया हूँ, आपको सुनाऊंगा क्या ये कि उस मुल्क में जहां एक बहुत बड़ी आबादी दो वक्त रोटी नहीं खा पाती, जहां 10 करोड़ के करीब भूखे पेट हो जाते, इस मुल्क में 71% दौलत, 10% ये मुल्क धीरे धीरे बढ़ रहा है, अमीरों के होटल, अमीरों के होटल, अमीरों के होटल, अमीरों के स्कूल, अमीरों के स्कूल, अमीरों के यूनिवर्सिटी। और शर्म से कि अब अमीरों की फिल्में और अमीरों की फिल्में एक थिएटर होता है जहां 700 रुपये एक थिएटर होता है, 400 रुपये उस थिएटर से ये जो फिल्म बनती है वो अमीरों के लिए, उस फिल्म का हीरो गरीब नहीं होता, उसी के गरीब के लिए बनी नहीं। ये समाज हर स्टेज पर बढ़ रहा है। यहां पिछले एक बरस में 17 नए बिलियनर बने, यहां पिछले चंद बरस जितना जो ऊपर के जो 1% लोग हैं उनकी इनकम कितनी बढ़ी, वो 4800 समथिंग कुछ इस तरह का नंबर देख के मैं बता भी सकता हूं आपको, वो इतनी है कि हिंदुस्तान की जितनी स्टेट्स हैं उनका 85% एजुकेशन और हेल्थ का बिल उसमें दिया जा सकता है। ये हकीकत इस तरफ आम आदमी का ध्यान नहीं जाना चाहिए। आम आदमी को यह नहीं मालूम होना चाहिए कि यह समाज ऊपर एक सेकंड इस समाज को बराबर इस तरह से जगह नहीं है, वहां प्रॉपर बैठे एक बार कर दो उधर वो बने ना तो सारी नदी एक साथ दिखाई देंगे, सारे वो लोग जिन्हें उनका अधिकार नहीं मिला वो तो हर साथ के हर कम्युनिटी के। ये डीप पार्टी इस मुल्क में जो लोग भूखे मर रहे हैं उनमें से ज्यादातर हिंदू हैं, इसलिए तो पॉपुलेशन ही उतनी ज्यादा है। इस मुल्क में जो लोग बेरोजगार हैं उनमें ज्यादातर हिंदू हैं, इस मुल्क में जो लोग बेघर हैं उनमें से ज्यादातर हिंदू हैं। तुम कहते हो कि मैं हिंदुओं से मोहब्बत है, बाकी सबको बाहर में हिंदुओं से तो है, तो तुम्हें उनकी क्यों नहीं फिक्र है जिनकी समस्याएं ये हैं। तुमने सिर्फ एक मंदिर की बात करते हो, तुम उनसे टेररिज्म की बात करते हो, सड़क की बात करते हो, मगर उसकी देखो नहीं। चलो उसी से कह दो कि तुझे हम रोटी दे देते हैं, रोजगार दे देते हैं। इतने सांप्रदायिक हो तो अपने सांप्रदायिक के गरीबों की मदद कर दो, वो भी नहीं, इसलिए कि झूठ है। इनका संप्रदाय एक है दौलत खाती, जब कोई चीज प्रोडक्ट बनाई जाती है एक होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी। तो एक्सपोर्ट क्वालिटी मतलब हम बाहर को अच्छा बेचेंगे, अंदर जरा अपने लोगों को थोड़ा मांगी चीज देंगे, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है। तो इनके लिए एक एक्सपोर्ट क्वालिटी है, तो उस एक्सपोर्ट क्वालिटी में तो इन स्टेट्समैन दिखाई देना, इनको सेकुलर और प्रोग्रेसिव और ब्रॉड माइंडेड दिखाई देना है, दुनिया में एक्सेप्ट होना है भाई। आजकल तो कमाल यह है कि सबसे अच्छी इनकी दोस्ती सऊदी अरब यूएई से हो गई है। उनसे पूछेंगे शायद कि भैया बादशाह कैसे बनते हैं, बताओ जरा। तो ये
अभी लाइट वाले काम जो है कि तुम तो उसे जुमले ही समझना, तुम तो जानते हो मेरे जुमले के क्या मतलब होते हैं। और जिन लोगों को इस काम पे लगाया गया है कि तुम ये नीचे काम करते रहो, ये धंधा करते रहो, ये जहर फैलाओ, उनमें से एक साथ यहां से इलेक्शन भी लड़ना है। उनका यही काम है, उनको इस काम पे लगाया गया कि तुम ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते रहो। उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि जो मोदी जी के खिलाफ हो पाकिस्तान चलाएगा। अब अगर सारे लोग पाकिस्तान की तो चार गुना हो जाएगी पॉपुलेशन, अगर जो जो मोदी जी के खिलाफ है वहाँ चला जाए तो मुश्किल हो जाएगा, तो जमीन पे तिल रखने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए कि जब हमारे तो खैर अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन एक जमाने में मोदी जी के अच्छे दिन थे वो भी चले गए, तो अब उनके भी अच्छे दिन नहीं रहे, लेकिन जब उनके अच्छे दिन थे तो तब उनको 2014 में उन्हें वोट मिले थे 31%। ओहो, यानी 69% इंडियन को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। वो तो खिलाफ थे, उन्होंने तो नहीं दिया था मोदी जी को वोट, और उसी वक्त चले जाते तो पाकिस्तान फिर भी बढ़ता, अभी तो और बढ़ जाएंगे, अब तो 69% से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये इनको किसी ने कहने लगा था वीजा मंत्री, ये आए दिन हरे को पाकिस्तान भेजते रहते थे, इनका ये काम। अब इन्हें यहाँ भी भेजा गया है इसलिए कि ये बड़ी खतरनाक जगह होती जा रही है, वह पहले से रही है बहुत खराब, वो खतरनाक जगह है, अब तो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। वे तो कन्हैया कुमार है, वहाँ भी जेएनयू में जाके सच बोलता है, यहाँ आके सच बोलता है, अलग अलग शहरों में जाके सच बोलता है, तो ये बात तो ठीक नहीं है। हमारे राज्य में भाई सच बोलने की इजाजत कहाँ है, हमारा कोई मंत्री बोलता है? प्रॉब्लम क्या है? एक 30-32 साल के लड़के से इनको इतनी बड़ी तकलीफ क्यों है? उसके पास कोई फौज है, उसके पास कोई बहुत बड़ा संगठन लिए जेएनयू में घूम रहा था, क्या है, क्या उसकी तकलीफ क्या है? बहुत डिस्टर्ब, तरह तरह के मुकदमे, तरह तरह का कितना प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ, कितना उसके बारे में लिखते हैं। आप जरा देखिए, अब सोशल मीडिया ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन एक देव आ गया है और क्या करने वाला है वो आके, क्या वजह है, किस बात का फियर? सच बोलता है बस। ये आदमी नहीं चाहिए, ये खतरनाक आदमी है, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। जैसे देखिए, एक जादूगर है, वो स्टेज पे खड़ा हुआ है, जादू दिखा रहा है और सब बच्चे मुंह खोले हुए देख रहे हैं, ये देखो बच्चों एक गेंद है, ये करके गायब हो गए। एक बच्चा वहां बैठा हुआ है, वो कहता है जी वो आपके बगल के नीचे है, तो उसका खेल बना रहा है, ये कैसे बर्दाश्त करे? बात ये झूठे काम उस पर लगाते हैं जाके, चाहे वो डीएम, मतलब कितना गलत होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हिम्मत हो गई ये कहने की कि साहब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था वहां, कोर्ट ने कह दिया ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था वहां, लेकिन आज भी उसे वही कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग तो तुम हो, तुम चलता रहे हो सुबह से शाम, तुम इस देश की आबादी के टुकड़े ही तो करने की कोशिश कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? टुकड़े टुकड़े गैंग तुम हो। ये जो हिंदुस्तान के लिबरल, जो सेकुलर लोग, जो रोशन ख्याल लोग, उनको क्या कहते हैं? मैकॉले के बेटे। मैकॉले के बेटे तो तुम हो, इसलिए कि अंग्रेज ने भी की कोलिशन करी, अंग्रेज ने बताया था कि तुम दोनों के बीच में चयन नहीं होना चाहिए, तो जो इस टू नेशन थ्योरी पे चल रहा है, जिना था मैकॉले का बेटा और तुम हो मैकॉले के बेटे। ये इल्जाम तुम उन लोगों पे लगाते हो जो
जो एकता की बात कर, मैं कॉलेज देश की एकता चाहता था, लेकिन करें क्या, शुरू से लेकर सिवाय झूठ के कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये वो लोग हैं 1925 में, ये असली, ये अजीब, ये पॉलिटिकल पार्टी अजीब है। होता क्या है कि भाई एक कम्युनिस्ट पार्टी, अब कम्युनिस्ट पार्टी का एक विंग है किसानों के लिए, एक विंग है मजदूरों के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए, एक कल्चरल विंग है, एक विमेंस के लिए है, एक फना पेशे के जो लोग हैं कलाकार हैं उनके लिए है, वो दस्तकारों के लिए है, अलग अलग विंग होते हैं। मेन होती है पार्टी। बीजेपी एक अलग चीज है, वो दरअसल एक विंग है, वो पार्टी नहीं है, विंग है आरएसएस का। असल पार्टी आरएसएस है। आरएसएस के बहुत सारे विंग हैं, ये पॉलिटिकल विंग है। और ये पॉलिटिकल विंग क्यों है, इसका एक इतिहास। ये 1925 में बने थे आरएसएस, और 1947 में इस मुल्क को आजादी मिली। 22 बरस में मैं चैलेंज करता हूं किसी भी आरएसएस के आदमी को कि वो ये बताए कि आरएसएस ने एक रेजोल्यूशन अंग्रेज के खिलाफ पास किया, एक मीटिंग अंग्रेज के खिलाफ की, एक जुलूस अंग्रेज के खिलाफ निकाला। जवाब है नहीं। इनके एक लीडर थे जो पहले थे, हेडियर, वो एक बार अरेस्ट हुए थे अंग्रेज के, और कुछ 2-3 दिन शायद रहे थे हवालात में या एक ही दिन। वो इसलिए अरेस्ट हो गए थे कि वो कांग्रेस का जलसा अटेंड करने गए थे। वो उस जलसे में अरेस्ट हुए थे जहां दूसरे लोग अरेस्ट हुए, भी पकड़ के ले गए। बस कोई मुस्लिम लीग और कोई आरएसएस का आदमी एक दिन के लिए जेल नहीं गया। जरा सोचिए, जिन लोगों ने इस मुल्क का बंटवारा करवा दिया, टुकड़े कर दिए, एक अलग मुल्क बन गया, उसे बनाने वाला एक दिन भी जेल नहीं गया, तो मतलब अंग्रेज की मर्जी का ही काम कर रहा होगा ना। अगर अंग्रेज की मर्जी के खिलाफ होता तो जिना कभी तो जेल जाता, लियाकत अली खान कभी तो जेल जाता। एक दिन को इनमें से कोई जेल नहीं, और ना आरएसएस का कोई आदमी एक दिन जेल। हुआ यह कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, कोई मूवमेंट हुआ, तो हमेशा एक तरफ से मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ से आरएसएस महासभा, इन्होंने हमेशा उसके खिलाफ बोला। ये गांधी के खिलाफ ये भी थे और वो भी थे। अब हुआ ये कि अंग्रेज से बता, ये कोलैबोरेटर हैं अंग्रेज के, और जिना भी मुस्लिम लीग भी कोलैबोरेटर थे। उन गद्दारों को तो इनाम मिल गया, उनको उठा के पाकिस्तान दे दिया गया, इन बेचारों को कुछ नहीं। इन्हें नेहरू से कैसे नफरत नहीं होगी, अंग्रेज की इतनी वफादारी करने के बाद सब कुछ नेहरू और पटेल ले गए और इन्हें कुछ नहीं मिला तो बुरा नहीं लगेगा? कैसे बुरा नहीं लगेगा? ये बरसों से पनप रहे, इनके दिल में यही आवेश था कि हमारी वफादारी की तो हमें कोई कीमत ही नहीं मिली जो हमने अंग्रेज को दिखाई थी। अब कहीं जाके कुछ मौका मिला हमें, और वही सारे हथकंडे इस्तेमाल करके जिससे अंग्रेज ने इस देश पर कब्जा किया था, अब ये अंग्रेज के सबक लेके ये है मैकॉले के बेटे, और ये जमीन को नहीं दिलों को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। ये बात हमको समझनी होगी। सांप्रदायिकता हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनको कम करने के लिए आती है समाज में हमेशा, और ये धर्म का नाम लेके और उसका लबादा ओढ़ के आती है। कभी एक काम कीजिएगा, दुनिया का नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि दुनिया में धर्म का असर कहाँ कहाँ जाता है। सारे मुल्कों, एशिया में, यूरोप में,
लैटिन अमेरिका में, और यूएसए इतना बड़ा मुल्क है, उसके किन हिस्सों में धर्म का ज्यादा है, वो नक्शा अलग रख दीजिए, फिर दूसरा नक्शा लिखिए, उस पे मार्क कीजिए कि दुनिया में कहां कहां ह्यूमन राइट्स कम है, औरतों पे जुल्म है, गरीबों पे जुल्म है, लूट है, बेईमानी है और जुल्म का राज है। जब आप मार्क कर लेंगे तो आपको मालूम होगा कि दोनों जगह एक ही है, एक ही है। पूरे एशिया में देख लो, लैटिन अमेरिका में देख लो, यूरोप में देख लो, कहीं देख लो, मिडिल ईस्ट में देख लो, ये जो आ रहा है ये आपकी जबान, क्योंकि आपके बरसों के संस्कार हैं, आपके मन में एक इज्जत है धर्म की, मजहब की, जिस भी मजहब के आप, आपके मुंह पे ये वो ताना लगा देते हैं जिसे तोड़ते आपको डर लगता है कि हम कोई गलत काम तो नहीं कर देंगे ताना तोड़ के, क्योंकि आप धार्मिक हैं और आपकी इस कमजोरी का वो फायदा उठाते हैं। और फायदा क्या उठाते हैं कि इस कवर के नीचे एक ऐसा समाज बनाते हैं, बना रहे हैं, बहुत हद तक बना लिया है, जहां ना कोई इंसाफ है, ना न्याय है, ना बराबरी है, ना अधिकार है, ना कोई बोल सकता है, ना सोच सकता है, ना सुन सकता है। हम ये धोखा खा रहे, ये असल में इस देश में एक बात हुई है जो सच है, उसे सच कहना चाहिए कि हमने सेकुलरिज्म को भी कुछ थोड़ा सही नहीं समझा, और ये बरसों से गलती हुई है जिसका हमको ये फल मिल रहा है। पिछले दिनों मुझे अच्छा नहीं लगा एक साहब ने, देखिए उधर से क्या बयान होते हैं, वहां के लोग क्या क्या बोलते हैं, अब उसको तो गिनाना ही बेकार है, उनका तो काम ही ये है कि ऐसे करेंगे। लेकिन जो लोग इन फोर्सेस के खिलाफ, जो लोग ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, उनकी जबान से कुछ ऐसे शब्द हैं जो नहीं निकलने चाहिए, वो तो यही करेंगे जो कर रहे हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुसलमानों को एक होके वोट देना चाहिए। अच्छा, मुसलमान एक होके वोट दे तो क्या हिंदू क्यों ना दे, ओके, ये कौन सी तरकीब बताई आपने, ये बिल्कुल गलत बात है। आप वोट देखते वक्त अगर आपको ये याद है कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, तो आप वोट सही नहीं दे पाएंगे। वोट देखते वक्त आप सोचिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, इस देश का भला किसको वोट देने में है, आपका भला और देश का भला अलग अलग है, नहीं नहीं हो सकता। अगर कोई माइनॉरिटी, सबसे छोटी इस देश की माइनॉरिटी भी ये सोचे कि मेरा भला देश के भले से अलग है तो गलत है। तुम जिस कश्ती में बैठे हो, वो कश्ती अगर पार होगी तो तुम भी पार होगे, वो कश्ती डूबेगी तो तुम भी डूबोगे। तो धर्म की वजह से वोट देना, ये टेंडेंसी हो सकता है कि अल्पसंख्यकों में आ जाए, नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं बचता है कि आप दूसरों से कहें कि तुम सेकुलर हो। यहां एक और साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या नाम है उनका, तनवीर हसन, तनवीर हसन, हाँ। कोई भी, मेरी ऐसी राय है, हो सकता है गलत हो, जो कन्हैया को वोट नहीं दे रहा, मेरी एक राय है, वो फिर जाके बीजेपी को वोट दे। उसकी वजह बताता हूं, अगर आपने कन्हैया को वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीतेगी। तो फिर ऐसा कीजिए ना कि जाइए सलाम अलैकुम कहिए और कहिए हुजूर ये बीजेपी के लिए वोट लेके आया हूं, तो कम से कम बीजेपी वाले तो आपका एहसान मानेंगे। आप अगर वहां वोट दे देंगे जो बीजेपी की मदद तो कर देगा लेकिन बीजेपी पे एहसान नहीं होगा, ये तो बड़ी नादानी की बात होगी। तो मेरी ऐसी राय है
कि जो जो लोग का इरादा है कि भाई हम तो नहीं देंगे वो, हम तो तनवीर साहब को वोट देंगे, बड़े अच्छा आदमी, तो मेरा सर है कि गलती ना कीजिए, आप जाइए गिरिराज साहब के पास और उनसे कहिए हुजूर हम कन्हैया को वोट नहीं दे रहे, हमारा वोट ये आपके हाथ में रखा है, तो वो एहसान तो मानेगा थोड़ा बहुत। आपने इन्हें वोट दे दिया, जीतेगा वो तो वो तो एहसान भी नहीं मानेगा और फिर आपको वीजा दे देगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो मुंबई से आया हूँ, सारे हंगामे चलते रहते हैं, बाजार है वो तो बहुत बड़ा, लेकिन वहाँ तक जहाँ लोगों को मुंबई में जो बड़े अमीर इलाके हैं उनमें तो वोटिंग का एवरेज भी बहुत लो होता है, आप लोगों ने टीवी पे सुना होगा, उन्हें चिंता नहीं कोई, उन्हें मालूम है ठीक है यार हमारी तो ज़िंदगी ठीक चल रही है ना, उन्हें पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। एक आदमी मैंने कईयों से सुना है यार मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैंने कहा उनसे कि भैया ये बात ऐसे ही है, तुमको मैं पोल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो पोल्यूशन में तो क्या साफ हवा जा रही है तुम्हारे, तुम तो गंदी हवा में सांस ले रहे हो, इंटरेस्टेड हो या ना हो, वैसे ही पॉलिटिक्स है, तुम इंटरेस्टेड हो ना हो वो तो तुम्हारी जिंदगी पे असर डाल रही है। लेकिन उस जैसे शहर में आज लोगों का ध्यान 2000 लोग देख रहे हैं, बाकी लोग प्राइवेट फोन लेकर बैठे हैं, मैं भी तो वही रहता हूँ, मुझे भी मालूम था कि यहाँ कितना कितना इंपैक्ट। आप आगे चले जाइए ना, ये इसलिए है कि यहाँ हमको सिग्नल मिल रहा, इस तो बेगूसराय बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इसलिए कि उसके एक तरफ एक ऐसी पावर है जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो मीडिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक लड़का है जिसके पास सिर्फ आप हैं, कंफ्यूजन कोई नहीं है, ग्रे एरिया नहीं, थैंक टू गिरिराज जी कोई चीज कंफ्यूजन में नहीं है, साफ। हमको अपनी माइनॉरिटीज को अपने देश का हिस्सा, अपने कल्चर, अपने इतिहास का हिस्सा समझना है, क्या उन्हें पाकिस्तान का वीजा देना है, यह एक सिंपल सवाल है और यह यहां तय होना है। ये बेगूसराय आज इस देश को बताएगा, इस पूरे मुल्क को बताएगा कि हम किधर जाना चाह रहे हैं, ये मामूली नहीं है। और माफ कीजिएगा, इसमें एक जो बीच में पड़ी हुई है कौड़ी, क्या नाम है उनका हुजूर, हाँ तनवीर साहब, वो एक बीच में पत्ता जो डाला गया है, आप उस पत्ते से भी होशियार रहिए। यहाँ कहते साहब इतने तो उनके कमिटेड वोट हैं, कितने कमिटेड हैं, एक पार्टी से, एक आदमी से, क्या ये कमिटमेंट्स इस देश के कमिटमेंट से बड़े हैं? आप वोट यहाँ एक आदमी या दूसरे आदमी को नहीं देंगे, आप वोट देके बताएंगे कि आपको कल का हिंदुस्तान कैसा चाहिए। ये आदमियों की बात ही नहीं है, ये तीन सिंबल बड़े परफेक्ट है, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं तनवीर साहब के भी मेरा खेल में मजा नहीं था, तनवीर साहब नहीं होते तो सभी दे देते वोट कन्हैया को, लेकिन यहां थोड़ी सी आजमाइश और लोगों के लिए, ये भी हम देखेंगे कि आपको सेकुलरिज्म सर दूसरों से चाहिए या खुद भी रखते हैं।
मैं इस उम्मीद के साथ बात करता हूँ कि एक बार आप मुझे फिर बुलाएंगे। जश्न अब तो कुछ कहने को बचा नहीं और यह सभागार 6 बजे के लिए है।